Hi friends, happy Diwali to all my viewers and all my subscribers. Friends, दिवाली का मौसम चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे जोर शोर से दिवाली मनाने की तैयारी में लगे होंगे. ओके फ्रेंड्स, आज की टॉपिक ऐसी टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, अंत में आपको बहुत मजा आएगा. ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में बहुत कुछ फर्क होते हैं, बहुत कुछ समानताएं भी होती हैं और बहुत फर्क भी होता है, उसमें अंतर भी होता है. तो क्या अंतर होता है, उसी अंतर को हम आज जानेंगे. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर देखना और पूरा देखना. दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की इंग्लिश में कुछ फर्क है और हम इंडिया वाले कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं. बट अब हम सारे भारतीय अपनी इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. तो आइए जानते हैं हाउ आर ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट. सबसे पहले हम जानेंगे टेंसेस के इस्तेमाल में फर्क. दोस्तों, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही हैज गॉन टू स्कूल बोलना ठीक है या ही वेंट टू स्कूल बोलना ठीक है. तो आपको बता दूं कि जहां ब्रिटिश इंग्लिश में ही हैज गॉन टू स्कूल बोलते हैं, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में इसे ही वेंट टू स्कूल बोलते हैं. ब्रिटिश इंग्लिश में माय फादर हैज नॉट कम येट बोलते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं माय फादर डिड नॉट कम येट. जहां ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू ईटन येट, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिड यू ईट येट. ब्रिटिश इंग्लिश में जहां हम बोलते हैं आई हैव ऑलरेडी ईटन, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई एट ऑलरेडी. तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से सेंटेंसेस के बोलने में फर्क है. लेकिन आप ये मत समझना कि अमेरिका में जाकर अगर मैं आई ही हैज गॉन टू स्कूल बोलेंगे तो गलत होगा. नहीं, उसका अर्थ समझ लिया जाएगा, मिलता जुलता आसपास ही अर्थ होता है, इसलिए गलत नहीं होगा. अगर आप ही हैज़ गॉन टू स्कूल बोलते हैं तो अमेरिका में जाकर बोल सकते हैं. अगर ब्रिटेन में आकर ही वेंट टू स्कूल बोलते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा. ओके फ्रेंड्स, दोनों जगह की इंग्लिश बोलने में फर्क है बट दोनों का सेंस बहुत ही क्लोज है, आसपास है, इसलिए इसे गलत नहीं समझा जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के बाद अगर आप ही हैज गॉन की जगह ही वेंट बोलते हैं तो गलत नहीं होगा. आई हैव ईटन की जगह अगर आई एट बोलते हैं तो गलत नहीं होगा. ज़्यादा ग्रामर्स और गहराई में मत पड़िए आप, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल कीजिए. ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम फर्क वोकैबुलरी का. ओके फ्रेंड्स, वोकैबुलरी में भी बहुत सारे फर्क हैं तो देखते हैं. अमेरिका और ब्रिटिश में बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली वोकैबुलरी के स्पेलिंग में कुछ फर्क होते हैं. वो इस तरह से होते हैं कि जहां अमेरिका में गार्बेज बोला जाता है, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे रबिश बोलते हैं. जहां अमेरिकन इसे वैकेशन बोलते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हॉलीडे बोला जाता है. अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट्स बोलते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट बोला जाता है. अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में जहां टीवी बोलते हैं, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में इसे टेली बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में द सबवे बोलते हैं, वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में द अंडरग्राउंड बोलते हैं. सबवे मीन्स जो रोड के साइड से अंदर से जो रास्ता बना होता है उसको कहते हैं. जहां अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर बोलते हैं. जहां अमेरिका में फ्रेंड बोलते हैं, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में मेट बोलते हैं. तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से वोकैबुलरी में फर्क है, बहुत सारा फर्क है. इस फर्क को आप समझना. आप आज के बाद अगर वैकेशन की जगह हॉलीडे का इस्तेमाल करते हो तो आप ये मत समझना कि गलत होगा. मैं समर वैकेशन में शिमला जा रहा हूँ,
तो वहां पर समर हॉलीडे में शिमला जा रहा हूं, अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कहना है कि समर वैकेशन अमुक जगह पे इस्तेमाल होता है, हॉलीडे अमुक जगह पे इस्तेमाल होता है, बट ये गलत है। ये अलग अलग देश में बोले जाने वाली इंग्लिश का फर्क है, बस और कुछ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग में फर्क। स्पेलिंग को लेकर भी बहुत सारे फर्क हैं, डिफरेंसेस हैं। जहां पर अमेरिका में ER लिखते हैं, वहां ब्रिटिश इंग्लिश में RE लिखते हैं। जैसे सेंटर सेंटर, मीटर मीटर, थिएटर थिएटर, उसी तरह से SE और CE का फर्क। जहां पर अमेरिकन इंग्लिश में लाइसेंस में SE का इस्तेमाल होता है, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में लाइसेंस में लास्ट में CE का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अमेरिकन इंग्लिश में डिफेंस और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफेंस, अमेरिकन इंग्लिश में ऑफेंस और ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफेंस। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में OU होता है, जहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में OR लिखते हैं, वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में OUR लिखते हैं। जैसे कलर कलर, फेवर फेवर, ऑनर ऑनर, लेवर लेवर। इसी तरह से ISE और IZE का फर्क। जहाँ अमेरिका में ऑर्गेनाइज ZE लगाकर ख़त्म करते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में ऑर्गेनाइज SE लगाकर समाप्त करते हैं। इसी तरह से अपोलोजाइज एंड अपोलोजाइज। इसी तरह से है L और डबल L का फर्क। जहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में ट्रेवल्ड बोलते हैं जहाँ सिंगल एल लगता है, वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेवल्ड बोलते हैं जहाँ पर डबल एल का इस्तेमाल होता है। जहाँ अमेरिका में कैंसल्ट, वहीं ब्रिटिश में कैंसल्ट, मार्वलस मार्वलस। फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते वक्त लोग ज़्यादातर आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, आर को साइलेंस रखते हैं। जैसे माय फादर इज इन अ कार, अमेरिका में इसी को बोलेंगे माय फादर इज इन अ कार, वहां पर ब्रिटेन में बोलेंगे माय फादर इज इन अ कार। यहां पर आप फादर और कार का फर्क समझिए। फादर को अमेरिका में फादर बोलते हैं और ब्रिटेन में फादर को फादा बोलते हैं, फादा। उसी तरह से कार, अमेरिकन इंग्लिश वाले कार बोलते हैं, र का उच्चारण करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश वाले का बोलते हैं, माय फादर इज इन अ कार। फ्रेंड्स, ग्रामर को अगर देखें तो ग्रामर में डिफरेंसेस ऑफ पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म का मतलब है वर्ब का फॉर्म। वर्ब का फॉर्म का मतलब V1, V2, V3। जहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में लर्न को पास्ट फॉर्म में लर्न बोलते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे लर्नट बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में ड्रीम को ड्रीम्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में ड्रीम्ड। जहाँ अमेरिका में लीन को लीन्ड बोलते हैं पास्ट फॉर्म में, वहीं पर ब्रिटेन में लीन्ड बोलते हैं। जहाँ अमेरिकन इंग्लिश में डाइव को डोब बोलते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में डाइव्ड बोलते हैं। गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉटन। जो गॉटन है ये अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, तो वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ पास्ट फॉर्म में गॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे जहां अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं आई हैवंट गॉटन द एविक्शन नोटिस येट, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं आई हैवंट गॉट एविक्शन नोटिस येट। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं आई थिंक वी नीड अ लॉयर, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं आई रिकन वी नीड अ सॉलिसिटर। अभी बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो अमेरिका में यूज करते हैं आई यूज टू वर्क नाइट्स। यहाँ पर नाइट में एस लगाते हैं, जहाँ पर एस एज अ सफिक्स यूज होता है, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में आई यूज टू वर्क एट नाइट, वहाँ पर एट नाइट बोलते हैं।
अमेरिका में द स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड सैटरडेज ऐसा बोलते हैं, वहीं पर ब्रिटिश इंग्लिश में द स्विमिंग पूल इज क्लोज्ड ऑन सैटरडे, यहाँ पर ऑन सैटरडे बोलते हैं, अमेरिकन में सैटरडेज बोलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के बाद अगर इस तरह के वर्ड्स अगर किसी गार्बेज की जगह पर अगर आप रबिश का इस्तेमाल करते हैं या नाइट की जगह पर नाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई रीड फॉर 2 आवर्स नाइट्स, तो वहाँ पर गलत नहीं होगा, यह अमेरिकन इंग्लिश है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं आई रीड एवरी डे 2 आवर्स एट नाइट, तो भी गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी आपने जाना समझा कि हाउ आर द अमेरिकन इंग्लिश एंड द ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। और आज के बाद इंग्लिश का इस्तेमाल करते वक्त आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप ये सोचेंगे कि हो सकता है ये अमेरिकन इंग्लिश हो सकता है ये ब्रिटिश इंग्लिश हो, और हम ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, बट आजकल ज़्यादातर हम अमेरिकन इंग्लिश का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये ना लगे कि हम गलत तो नहीं बोल रहे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए इस दिवाली के मौके पर, और कमेंट कर दीजिए हर किसी को, ताकि पटाखे छोड़ते छोड़ते मिठाइयाँ खाते खाते हमारे वीडियो को भी लोग देखते रहे और उनको पता चलते रहे कि वाओ हाउ आर द अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। हैप्पी दिवाली वंस मोर, अच्छे से दिवाली मनाना आप लोग, और बहुत ही अच्छी तरह से मनाना, ज्यादा प्रदूषण मत फैलाना। ओके बाय।